अरे मैं जानू वहाँ क्यों बैठे हो? आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। नहीं तुम लोग जाकर खेलो। अच्छा राजा का मुर्गा खेलेंगे? नहीं तो आंख में चोनी खेलते हैं। मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलना है। यहाँ से जाओ तुम लोग। तो ठीक है हम लोग जा रहे हैं। ठीक है न जानू। ओ न जानू वहाँ चुपचाप क्यों खड़े हो? खेलोगे नहीं? नहीं मेरा मन खेल में नहीं लगता। मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। क्यों क्यों? एक दिन मैंने डॉक्टर गोलावालिया की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। अच्छा तो यह बात है। गुलदस्ता जी आप कविताएं कैसे लिख लेते हैं? मैं आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हैं? सिखा तो सकता हूँ अगर तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा हो तो। हाँ हाँ है क्यों नहीं, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। मुझे तुम्हारी प्रतिभा की परख करनी पड़ेगी। तुम जानते हो तुक क्या होती है? तुक? नहीं मैं तो नहीं जानता। तुक उसे कहते हैं जब दो शब्दों का अंत एक तरह से होता है, जैसे चिड़िया गुड़िया घोड़ा थोड़ा। समझे? हाँ हाँ समझ गया। अच्छा छड़ी की तुक बताओ। छड़ी की तुक झाड़ी। यह कैसा तुक है? छड़ी झाड़ी इन शब्दों से तुक नहीं बनती। वाह क्यों नहीं बनती? इनका अंत तो एक ही तरह से होता है। मगर कविता रचने के लिए इतना ही काफी नहीं है। यह जरूरी है कि शब्द एक ही तरह के हो और कविता का जोड़ बैठ सके। लो सुनो घड़ी घड़ी भट्टी खट्टी हिसाब कविता। अच्छा अब सोटा शब्द की तुक बताओ। ठोठा। ठोठा ऐसा तो कोई शब्द नहीं है। अच्छा तो उल्फोंठा। तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो? इस तरह का कोई शब्द नहीं होता। सुनो अगर कविता करनी है तो ऐसा शब्द चुनना चाहिए जिससे सब समझ में समझते हो। और अगर ऐसा शब्द ना मिले तो? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं है। तो तुम खुद ही सोटा का तुक बताओ। झोटा कोटा होटा उफ इस शब्द का कोई क्या होगा? इसकी कोई तुक है ही नहीं। देखो खुद ने ही ऐसा शब्द लिया जिसकी कोई तुक नहीं है। उस पर कहते हो कि मुझ में कविता रचने की प्रतिभा नहीं है। अच्छा अच्छा है प्रतिभा। बस मेरा तो सिर दर्द करने लगा। इस तरह की कविताएं लिखो जिनका कोई अर्थ हो। इसका मतलब यह तो बहुत आसान है। बिल्कुल बहुत आसान है। कविता करते करते कहीं पिट न जाना। अरे सुनो सुनो मैंने बहुत अच्छी कविता रची है। अच्छा किसके बारे में है तुम्हारी कविता? जरा सुनाओ। मेरी तो सबसे पहली कविता जानू की है। लो सुनो। जानू गया टहलने नदिया के तट पर, जाते जाते कूदा मोटर की छत पर। झूठ मैं मोटर की छत पर कब कूदा? अरे ऐसा तो सिर्फ कविता में हुआ तुक मिलाने के लिए।
यानी दुख मिलाने के लिए तुम मेरे बारे में झूठी बात कहोगे? और क्या, मुझे सच्ची बात कहने की क्या पड़ी है? जो सच है वह तो है ही। ठीक है ठीक है, लड़ो मत। अच्छा, और दूसरे के बारे में तुमने क्या लिखा है? लो, जल्दबाज के बारे में सुनो। जल्दबाज को भूख लगी, निकल गया जिंदा मुर्गी। मगर मैंने कोई मुर्गी नहीं निकली, न जिंदा न पकी हुई। उफ, तो मैं सच थोड़े ही कह रहा हूँ, यह तो कविता है। बड़ी अच्छी कविता है। अच्छा लो, सुस्त राम की कविता सुनो। सुस्त राम की जेब देखो, रखा है मीठा सेब। देखो देखो देखो, झूठ, सफेद झूठ, मेरी जेब में कोई सेब नहीं है, लो देख लो। तुम लोग कविता के बारे में तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसा सिर्फ तुक मिलाने के लिए कहा गया है। मैंने मोटू के बारे में भी कविता लिखा है। अपनी बकवास बंद करो, यह हमारे बारे में झूठ बघार रहा है, हम चुपचाप सुनते रहें? बहुत हो गया, हमें नहीं सुननी कविता पविता। यह कोई कविता है? यह तो हमें चिढ़ाना है। अगर तुम लोग कविता सुनना नहीं चाहते हो तो मैं जाकर पड़ोसियों को सुनाऊंगा। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको बताता हूँ। रुको रुको, तुम लोग को अच्छा नहीं लगता है तो मैं कविता नहीं पढ़ूंगा। तुम मुझे मारो मत। तो लगाओ उठक बैठक, बोलो। मैं अब कभी कविता नहीं पढ़ूंगा। वैसे नाजनू, तुम कविता अच्छी बना लेते हो। हाँ, तुम्हें मेरी कविता अच्छी लगी? हाँ, क्यों नहीं, तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओ। उससे पहले तुम सभी को उठक बैठक लगानी होगी।